मैं डॉक्टर राकेश मिन्हास समाहर्ता दमन आज 9 जून को सुबह 11:30 बजे की प्रेस ब्रीफिंग में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आज के टेस्ट रिपोर्ट है उसमें 2 लोगों का दमन में पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। ये दोनों ही दमन के बाहर से आए हुए लोग हैं जो कि मुंबई से ट्रैवल करके 2 दिन पहले दमन आए थे और उसके बाद से क्वारंटाइन में ही दोनों लोग थे। एक जो आदमी है वो हमारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में थे और उनका कोई कांटेक्ट नहीं है किसी के साथ भी, वो डायरेक्टली क्वारंटाइन सेंटर में ही गए थे। और जो दूसरी बच्ची है वो भी सीधे अपने होम क्वारंटाइन घर में चली गई थी और अपने माता पिता के साथ रह रही थी। जो बच्ची का घर है वो खारीवाड एरिया में था, वहाँ पर कंटेनमेंट जोन डिफाइन कर दिया गया है, ऑलरेडी डिसइंफेक्शन का काम जारी है और जितना भी सर्वेलेंस टीम्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की वो वहाँ पर सर्वेलेंस, कॉन्टैक्ट सर्वेलेंस और टेस्टिंग कर रही हैं। मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि अभी बिना मास्क के, बिना सैनिटाइज़र यूज़ करे कोई भी आदमी बाहर घर से नहीं निकलना चाहिए। जब भी आप घर से बाहर किसी काम के लिए निकलते हैं तो पूरे समय एक प्रॉपर तरीके से मास्क आप पहन के निकलें जो कि आपके नाक और मुंह को दोनों को अच्छे से ढक रहा है। ये मास्क पहनना कोरोना की जंग में हमारे लिए बहुत ही जो है अनिवार्य है। अगर हम मास्क का यूज़ करेंगे तो हम इन्फेक्शन का चांस और रिस्क बहुत कम कर देते हैं, तो इसको हमें आगे कंटिन्यू करना। धन्यवाद। पहला केस है जो कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में थे, उनका कोई भी हाई रिस्क या लो रिस्क कॉन्टैक्ट नहीं है तो किसी और को क्वारंटाइन करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा केस है, जो बच्ची है वो अपने माता पिता के साथ रह रही थी तो उसके फादर और मदर दोनों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और इन चारों लोगों को, 2 पेशेंट और जो बच्ची है उसके माता पिता को, मारवाड़ हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया गया है।